subject computer, chapter number 10, introduction to C language. Okay? अब C language है वो one type of computer की programming language है. Okay? तो programming language का meaning क्या है? What do you mean by programming language? तो program flowcharts and algorithm के बारे में हमने chapter number 9 में सुना, देखा और फ्लो चार्ट्स भी ड्रॉ किए, एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वो भी देखा. ओके, तो फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम फ्रॉम बेसिक सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम है उसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है? एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. ओके, दिस फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देन आर कन्वर्टेड इन टू अ प्रोग्राम. जो फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम है हमने ऑन पेपर जिसे बनाया है कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसको लैंग्वेज के अंदर लिखने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है. तो दिस फ्लो चार्ट एंड जो एल्गोरिथम है आर कन्वर्टेड इन प्रोग्राम. प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि हम जो कोडिंग करते हैं उसे प्रोग्राम बोलते हैं. ओके, जावा, कोबोल, सी एक्सेट्रा, ये जो जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट है, पीएचपी है, कोबोल है, वो वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सी, सी प्लस प्लस, अभी मैंने जितने भी नाम बोले वो सब क्या है? कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जो हम पहले फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम ऑन पेपर बनाते हैं उसे कंप्यूटर में कैसे प्रोग्रामिंग करना है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लिखते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? सेट ऑफ प्री डिफाइंड, इट मींस पहले से ही रूल डिफाइन किए होते हैं. हमें सिर्फ क्या करना होता है? उसकी सिंटेक्स यूज करके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप रूल वाइज लिखना होता है. ओके, जैसे ही वो तो हम प्रोग्राम लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से स्टेप कैसे फॉलो करते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डेफिनेशन याद रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स. ओके, दिस रूल फॉर्म सिंटेक्स ऑफ द लैंग्वेज. ये रूल किसके लिए होते हैं? लैंग्वेज की सिंटेक्स के लिए. अगर आपने प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लिखी है तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं हो पाएगा, यानी कि आपको आउटपुट ही नहीं मिलेगा. जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, कंपाइल करना मीन्स चेक करना कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई गलती है, एरर है कि नहीं. ठीक है, जब भी आप प्रोग्राम कंपाइल करोगे तो आपको एरर और गलती दिखाएगा. अगर एरर और गलती कोई है तो जब तक उसे आप सुधारोगे नहीं तब तक आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा. तो रूल्स के मुताबिक अगर आपने नहीं लिखा है प्रोग्रामिंग तो आपको आउटपुट सही नहीं मिलेगा. लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ओनली लर्निंग न्यू सिंटैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. कोई न्यू लैंग्वेज सीखना उसका मीनिंग क्या है? कि न्यू सिंटैक्स को लर्न करना. ठीक है, पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए न्यू सिंटैक्स को लर्न करना, इट मीन्स कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना. ओके, जैसे हमारी लैंग्वेज, हमारी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज होती है, वैसे ही कंप्यूटर की भी अंदर भी नई नई लैंग्वेजेस डेवलप होती है फॉर दी सॉफ्टवेयर और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए. ठीक है, अब ट्रांसलेटर और कंपाइलर क्या है? अभी अभी मैंने बताया कि प्रोग्राम कंपाइल करना पड़ेगा, आप उसे रन करो उससे पहले. तो कंपाइल करना और ट्रांसलेट करना, इट मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी कोड 0 and 1. ओके, कंप्यूटर ओनली कौन सा कोड समझता है? बाइनरी कोड 0 and 1. इट कैन नॉट रीड और अंडरस्टैंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायरेक्टली. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोडिंग करते हो, लिखते हो, तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा. ठीक है, उससे पहले वो मशीन लेवल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 में कन्वर्ट करेगा, तब वो अंडरस्टैंड कर पाएगा, तब समझ पाएगा. द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर्स नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सोल्व बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स कॉल्ड ट्रांसलेटर. मीन्स हमने हमारी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
लैंग्वेज के अंदर देगा, वो जो आउटपुट देगा वो ट्रांसलेटर और कंपाइलर को कैसे देगा, उसकी बाइनरी लैंग्वेज में जीरो और वन, तो वो हमें नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो ट्रांसलेटर है वो फिर से हमें हमारी लैंग्वेज के अंदर आउटपुट कन्वर्ट करके देगा। तो बीच में ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है और बाइनरी लैंग्वेज को फिर से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, द प्रोग्राम कन्वर्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू बाइनरी कोड इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर मीन्स कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर बोलते हैं। ठीक है, और एक दूसरी भी डेफिनेशन है कि जो प्रोग्राम कॉल्ड ट्रांजिट, हमने अभी अभी मैंने समझाया कि ट्रांसलेटर होता है बीच में, ये ट्रांसलेटर को भी आप कंपाइलर बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेटर और कंपाइलर दोनों एक ही वर्ड है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, यानी कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, कब डेवलप हुई, कैसे सी लैंग्वेज डेवलप हुई, इसके बारे में कुछ हिस्ट्री दी है। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए इसमें से जो आईएमपी है वो याद रखना है, मैं यहाँ से बोलकर आपको बताती हूँ। द ओरिजिन ऑफ सी हैज बीन डेटेड बैक टू 1972।
प्री डिफाइंड मीन्स पहले से कोई टास्क आपने डिफाइंड किया हुआ है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप इज कॉल्ड प्रोग्राम। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन यूजिंग चूजन लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कैसे किसे बोलते हैं कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन है उसे राइट करने के लिखने की जो प्रोसेस है, ठीक है, इज नोन एज प्रोग्रामिंग। वो चीज जो भी लैंग्वेज के साथ आप प्रोग्रामिंग करते हो आपकी सिलेक्टेड लैंग्वेज के थ्रू तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। तो अब गुड प्रोग्राम, अगर कोई गुड प्रोग्रामिंग कैरेक्टरिस्टिक कैसा आपने प्रोग्राम लिखा है, राइट किया है, तो अगर वो अच्छा है, गुड प्रोग्राम है, बिना एरर वाला, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके उसके अंदर क्या क्या खासियत है, मीन्स बोलते हैं ना उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट है द प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर डिफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट्स के अंदर आपने प्रोग्राम लिख लिया और कंप्लीट कर दिया, उसके अंदर डिफाइनाइट स्टेप होने चाहिए प्रोग्राम के अंदर, जो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट है द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी प्रिसाइजली डिफाइंड, इट मीन्स इट शुड नॉट हैव मल्टीपल मीनिंग। आपका जो प्रोग्राम है इंस्ट्रक्शन है उसका मल्टीपल मीनिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड रूल वो कैरेक्टरिस्टिक गुड प्रोग्राम की। थर्ड है ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव। आपने जो इंस्ट्रक्शन डाली है वो इफेक्टिव होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने लिखा रन किया प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिला, ओके। जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखी है वो इफेक्टिव होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि उसका कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले। नेक्स्ट अ प्रोग्राम में टेक जीरो और मोर आउटपुट सॉरी इनपुट। प्रोग्राम के अंदर आपको कोई ना कोई इनपुट डालना पड़ेगा तभी वो गुड प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट अ प्रोग्राम में प्रोसीजर वन और मोर आउटपुट। प्रोग्राम है आपने लिखा, ठीक है, प्रोग्रामिंग किया तो उसका एटलीस्ट एक आउटपुट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा आउटपुट मिलता है तो ठीक है, एटलीस्ट एक आउटपुट तो आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्रामिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब ये अच्छे से सुनना कि सी प्रोग्राम लिखना है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मीन्स उसके रूल कहाँ कौन सा क्या लिखना है। जैसे HTML था तो उसका स्ट्रक्चर था कि पहले HTML स्टार्ट करो, उसके बाद हेड सेक्शन होता है, उसके बाद बॉडी सेक्शन होता है और लास्ट में HTML कंप्लीट होता है। वैसे ही यहाँ जो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम मीन्स सी लैंग्वेज के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर मुताबिक ही आपको लैंग्वेज इसका है प्रोग्राम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ओके। कोई प्रॉब्लम है उसका अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग करना है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम तो क्या होता है उसमें देखो, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ फिर एक बाय एक वन बाय वन समझाती जाऊंगी। ये थोड़ा आईएमपी पोर्शन है, स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, ओके, सी प्रोग्राम। तो उसके अंदर मेन थ्री पोर्शन होते हैं, ऑप्शनल सेक्शन, कंपलसरी सेक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शनल सेक्शन, कंपलसरी सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन।
स्पष्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। पहले स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से मैं ड्रॉ कर लूं, फिर वन बाय वन समझाऊंगी कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिंबॉलिक को क्या हथियार है और क्या बात है, आगे देखो। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट डेफिनेशन, ग्लोबल
एक सी प्रोग्रामिंग लिखना है, ओके? तो सबसे पहले तो आपको फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी, जिसके बगैर आपका जो प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का वो रन ही नहीं हो पाए। एक कंपलसरी एक फाइल आपको पहले इंक्लूड करवा देनी है। तो कैसे इंक्लूड करवाओगे? अब सी लैंग्वेज का कोडिंग है, मीन्स प्रोग्रामिंग है, आपको कहाँ लिखना है? सी लैंग्वेज की एक एप्लीकेशन होती है, वो आपके पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए, ठीक है? सी लैंग्वेज आपके पीसी और लैपटॉप में इंस्टॉल होनी चाहिए, और ओपन करो तो डायरेक्टली कोडिंग का ही आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, उसके अंदर आपको सी लैंग्वेज का कोडिंग करना है, ठीक है? तो एक सिंपल प्रोग्राम में आपको वो एक मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो इंक्लूड करवाओ, पहले लिखो इंक्लूड, ये फाइल इंक्लूडिंग सेक्शन है, इंक्लूड, फिर एक सी लैंग्वेज की बाय डिफॉल्ट फाइल है, जो प्री डिफाइंड फाइल है वो आपको इंक्लूड करवानी है, spd.io.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, वो फाइल आपको इंक्लूड करवानी है, ओके? फिर लिखना है int इंटीजर, इंटीजर मीन्स होल नंबर, या तो नेगेटिव और पॉजिटिव, इंटीजर मेन फंक्शन, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ओके?